शीघ्रपतन अर्ली डिस्चार्ज का उपचार अगला पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं, तो आइए आपका स्वागत है। ऐसा मैंने इसके पहले कहा कि शीघ्रपतन का उपचार फोरप्ले ज्यादा समय तक करके हो सकता है, वैसे ही शीघ्रपतन के लिए कुछ दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, और मेडिसिन यदि आप लेते हैं जिसमें SSRI ग्रुप की मेडिसिन है, बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की मेडिसिन है, और ये मेडिसिन मैं आपको देता हूँ PDE5 इनहिबिटर्स के साथ में, मतलब वायग्रा जैसे टैबलेट जो उसके साथ में, सिल्डेनाफिल ट्राइडाफिल के साथ में, तो उससे काफ़ी सारा लेट होगा इजैकुलेशन। ये क्या है कि ये जो मेडिसिन है SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स SSRI, जिसमें फ्लोक्सिटिन, सेरेट्रालिन, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, डेपोक्सिटिन, ऐसी दवाई आती है, उसके डोसेस अलग अलग है। ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है लेट इजैकुलेशन। तो हम क्या करते हैं कि उसका साइड इफेक्ट का यूज हम इफेक्ट के लिए करते हैं। बेंजोडाइजेपिन मतलब डाइजीपाम जैसी, लोरेजीपाम जैसी गोलियां जो है उसका साइड इफेक्ट है लेट इजैकुलेशन का, तो साइड इफेक्ट को हम यूज करते हैं इफेक्ट के लिए। तो इस तरह काम करते तो बहुत फायदा होगा। टैनालाफिल इसके साथ साथ हम दे सकते हैं, सिल्डेनाफिल दे सकते हैं, और उसके साथ साथ पैरासिटामोल, ओमिप्रेजोल, क्योंकि पैरासिटामोल जो है वो दर्द कम करेंगे। यदि किसी को सर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, तो पैरासिटामोल गोली दर्द कम करेगी जो आने वाला है, या किसी को होता है सिल्डेनाफिल टैनालाफिल लेने के बाद में, और किसी को एसिडिटी होती है तो वो एसिडिटी ओमिप्रेजोल से कम हो जाएगी। तो ये हम दवाइयाँ देते ताकि एसिडिटी और दर्द कम होगा, इरेक्शन अच्छा आएगा और इजैकुलेशन लेट होगा। अभी दवाइयाँ की बात हो गई तो इसमें ये भी देखना है हमको कि कुछ एनेस्थेटिक क्रीम्स मिलते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स है या लोकल एनेस्थेटिक स्प्रेज है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट पहले स्प्रे मारो या क्रीम लगाओ, या फिर बहुत ज़्यादा थिक एनेस्थेटाइज्ड कंडोम्स मिलते हैं तो वो पहनो, उससे भी फ्रिक्शन मालूम नहीं पड़ेगा, नमनेस आएगा और लेट इजैकुलेशन होगा। तो ये सभी दवाइयाँ हैं जिसका फायदा हम कर लेते हैं इजैकुलेशन लेट करने के लिए। स्प्रे और मलम का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसमें मसाज करना नहीं है, क्योंकि मसाज यदि आप करते हैं तो फिर हो सकता है कि इजैकुलेशन हो जाएगा, तो वो करना नहीं है। बाकी जो भी है वो सिर्फ लगा लो 10 मिनट पहले, उसका इफेक्ट आने दो, पेनिस जो है वो नम हो जाएगा और फिर इजैकुलेशन लेट होगा। चलो आइए ये वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्रपतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।